हरपरी माधव नगर मामला लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता ही जा रहा है। पहले माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उन्हें पूर्ण न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। शुक्रवार की देर शाम थाना कोतवाली क्षेत्र के माधव नगर पर पहुंचे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष लोकेश कुमार 9 फरवरी कांड को बेहद दर्दनाक बताया। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए इस घटना में जो लोग शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो आयोग घटना की निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार बैठा है, साथ ही मैनपुरी प्रशासन को भी तलब किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि वार्ता के दौरान परिजनों ने 2-3 लोगों पर शक जताया है, जिसके लिए उन्होंने डीएम एसपी को निर्देशित करते हुए कहा है कि परिजनों से बात करें और जो भी इस घटना में शामिल है वो किसी भी जाति के हों, जितने भी रसूखदार हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि व्यक्तिगत रूप से पीड़ित परिवार को 51,000 रुपए की मदद दी जा रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री से बात कर परिवार के डैमेज हुए घर को बनवाने के लिए भी सहयोग करेंगे, साथ ही पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मदद दिलाएंगे। क्या भाई, उनकी तो मदद होनी चाहिए, आश्वासन तो आश्वासन ही हो जाते हैं। अब मैंने कहा कि मैं राजनीतिक आदमी उस तरीके से नहीं हूँ, मैं एक आयोग का एक वाइस चेयरमैन होने के नाते मेरा आश्वासन तो बहुत ये होना चाहिए। मैं कमीशन का वाइस चेयरमैन हूँ तो जो मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ तो कम से कम वो कार्रवाई तो होनी चाहिए। भाई पॉलिटिक्स आदमी आकर के, पॉलिटिकल आदमी आकर के इनसे कोई आश्वस्त करके चला जाए, लेकिन मेरा आश्वासन, क्योंकि मैं कमीशन से एक जांच में आया हूँ, संवैधानिक एक पद है, तो मेरा आश्वासन तो उनके लिए रहेगा कि इस केस का हम तब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक पीछा नहीं छुटेगा। विपक्ष के कुछ लोग हैं, लोगों ने एक वीडियो वायरल किया था अस्पताल से, क्या मकसद है? देखो विपक्ष क्या कर रहा है, अब विपक्ष तो अभी आप LAC का मुद्दा देखो, आप सब लोग दिखा रहे हैं, आपके चैनल भी दिखा रहे हैं, सेना के वीर सैनिक हमारे 20 जवान शहीद हुए, लड़ते लड़ते हुए, उन्होंने उसी पे शक कर दिया कि भाई हमें तो लगता है कि भाई क्या है। आप लोग भी जानते हैं अगर पिछला विपक्ष का पूरा इतिहास उठाया जाए, कैसे चाइना में के कब्जे में वो जमीन गई है, कैसे भारत का हिस्सा गया है, तो चलता रहता है, पक्ष विपक्ष तो ये करते रहेंगे। और जिन्होंने जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसके लिए कहाँ है, अभियुक्त को पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल भेज दिया है, लेकिन 18 तारीख से अब तक लगभग विपक्ष और पक्ष दोनों लोग यहाँ मौजूदा स्थिति में आते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए कोई भी तुरंत राहत की व्यवस्था किसी ने नहीं की, क्या कहेंगे इसमें? मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार का वाइस चेयरमैन, मुझे परसों जानकारी मेरे आयोग में एक पत्र प्राप्त हुआ पीड़ितों की तरफ से, उस पे आयोग के चेयरमैन साहब ने आज मेरी जिम्मेदारी लगाई कि जांच के लिए मुझे आना चाहिए, आयोग की तरफ से मैं जांच के लिए इधर आया हूँ कि क्या घटना घटित हुई। घटना बड़ी दर्दनाक तो है और हम चाहते हैं कि ये घटनाएं कभी दोबारा ना घटे, ये अच्छी बात है, लेकिन जहां तक आर्थिक मदद का सवाल है, ये अभी आपके सामने कुछ लोगों ने जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं कुछ ना भी की है, कुछ करेंगे। मैं अपना व्यक्तिगत तौर से जो है उनको 51,000 रुपए की अभी मदद करके जाऊंगा इस परिवार को, अभी मैंने उनको बुलाया है, लौटते में मैं सफाई होकर के आ जाऊं, अभी इनको बाई चेक दे करके अभी जो मदद होगी व्यक्तिगत वो मेरी तरफ से इनको होगी पर्सनली। लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसमें लिखेंगे कि जो मकान डैमेज जो है उस मकान को चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत उसको सही कराया जाए, उसके तहत इनको कुछ पैसा दिया जाए, और जो आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष से होती है वो राहत कोष से इनको मदद दी जाए, क्योंकि परिवार के लगभग 2-3 लोग चले गए, एक बच्चा था, 2 तो मम्मी पापा उस बच्चे के हैं जो गए हैं, 2 बहनें उसकी वहाँ हैं, तो अभी मुझे लगता नहीं कि जो 70-80% अगर जो झुलस गए हों, जो जल गए हों, कि उनकी स्थिति भी बड़ी गंभीर तो है ही है, आर्थिक स्थिति का भी संकट सामने है, और मैं पार्टी के हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भी है, पार्टी भी इसमें